आप हमसे गुस्सा नहीं है? गुस्सा गुस्सा तो मैं तुमसे इतना जितना तुम सोच भी नहीं सकती। बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं तुम्हारी तरह दूसरों से वो चीज नहीं छीनता जिससे उन्हें प्यार है। मैं जानता हूँ। मिश्री सीरियल के एपिसोड में अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरह से यहाँ पर मिश्री पर इतने सारे इल्जाम लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मिश्री सभी घर वालों को सारी सच्चाई बताती है कि भाई किस तरह से उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई थी। और इसी के साथ सभी घर वालों को कहीं ना कहीं बेहद बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने मिश्री के बारे में बहुत कुछ गलत सोचा। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई इस बार हमारी वाणी जो है तुम्हारे लिए पढ़ना कितना जरूरी है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो मेरी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ाने की, और तुम्हारी पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। और ये जो तुम आजकल कर रही हो, ये नाटक, ये तमाशा, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा। खुद अपने हाथों से मिश्री को घर से बाहर निकाल देती है। जी हाँ, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वाणी अपनी मिश्री का साथ नहीं देगी। लेकिन कहानी में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि खुद इस बार वाणी जो है हमारी मिश्री का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन 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 आपको बता दूं कि यहाँ पर कहानी में, और इसे मेरा लगाव मत समझना, मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए दया है। जिस दिन तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, उस दिन सबसे पहले मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगा। एक ट्विस्ट आ जाता है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई इस बार खुद वाणी जो है हमारी मिश्री का साइड लेगी और उसे कहती है कि ये घर वाले डिजर्व ही नहीं करते कि तुम इसके साथ रहो। और यहाँ पर हमारी वाणी जो है वो कहती है कि मुझे अपने मिश्री पर पूरा भरोसा है, और वो राघव का शुक्रिया अदा भी करती है और कहती है कि भगवान के नाम से कम राघव तो इस घर में ऐसा है कि जो लड़कियों का इज्जत करता है। तो अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ, मेरे और वाणी के प्यार के साथ खेलने में नहीं। चाहे हमें कितना भी दर्द क्यों ना सहना पड़े, पर हम तैयार हैं इस दर्द को सहने के लिए। राघव जी, आपके भले के लिए हमें ये सब करना होगा। और यहाँ पर वो कहती है कि राघव अगर नहीं होता तो पता नहीं उसकी बहन मिश्री का क्या होता। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर वाणी सभी घर वालों को सुनाते हुए नजर आती है और सच्चाई का पता बताती है। और यहाँ पर वाणी कहती है कि आप जैसे लोगों की वजह से ही लड़कियां डर जाती है, अपनी आवाज नहीं उठाती। और इसी के साथ यहाँ पर वाणी जो है सबकी आंखों पर जो पट्टी बंधी होती है उसे खोलते हुए नजर आती है। जी हाँ, यहाँ पर वाणी कहती है कि आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे छोटे लोगों की वजह से, छोटी सोच की वजह से लड़कियां समाज में नहीं जिंदा रह पाती, ना तो अपने मन पसंद के कपड़े पहन पाती है, ना तो घर से बाहर निकल पाती है, और अगर किसी से हंस के बात भी कर ले तो जरूर उनका किसी से कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा होता है। और इन सभी छोटी सोच की वजह से हम लड़कियां जो है समाज में दम घुट घुट कर रह जाती है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई हमारी वाणी जो है अपने मिश्री को राखी बांधते हुए नजर आएंगी। जी हाँ, इस राखी के अवसर पर वाणी ने हमारी मिश्री को राखी बांध दिया, और वाणी अपनी मिश्री का ऐलान करती है कि भाई हमारी मिश्री जो है उसकी छोटी बहन है, ना कि कोई मेड है। और इसी के साथ हमारी वाणी ने सबको धमकी दे डाली है और कहती है कि मिश्री पर आवाज उठाने, उंगली उठाने से पहले सबको 100 बार सोचना होगा, क्योंकि आज के बाद मिश्री मेरी छोटी बहन है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि भाई यहां पर हमारी मिश्री राघव और वाणी को एक करने वाली है। जी हां, एपिसोड में हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर गिफ्ट के तौर पर उसने वाणी और राघव के रिश्ते को जोड़ने के लिए मांग लिया तोहफा। और यहां पर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से वाणी हमारी राघव को शादी के लिए प्रपोज करती है, और इस बार राघव ने भी हां कह दिया है। तो आने वाले एपिसोड में बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा कि हमारी वाणी और राघव शादी के रिश्ते में बनने वाले हैं।